सब जात को एक जगह करने से पहले चमार पे एक जगह हुई है, एकजुट हो जाए। अगर आप जाइएगा पासवान साहब तो कह गया सला तुरे ठीक है, मैं तो पांच को सांसद है तोर वाड़ो सदस्य ना दम का देगा दम का तो मान जी के जोड़ने जाए के तोरा को हमर तो मंदिर दिल्ली में है हूं है आपका क्या गोल्डन जात नहीं है। अरे सला ठीक है सब मान गोल्डन संजय भट्टी को धोखा दे दिया। अरे सला ठीक है गोल्डन साथ मत रहो। अरे ठीक है सब मानवर साहब का पंच नहीं तेल लगा के किसी को अब चाचा भैया बाप करके तारीफ करके अब किसी को साथ नहीं रखेंगे। अगर आप चोर हैं तो हम कहेंगे आप चोर हैं, अगर रंडीबाज है तो कहेंगे आप रंडीबाज हैं। बिल्कुल इसके लिए अगर किसी को बुरा लगे या नहीं रहना साथ मत रहना, लेकिन जो जैसा भड़ुआ रहेगा मैं भड़ुआ कहूंगा भड़ुआ हो। विधानसभा घेराव किए जब भीम आर्मी कार्यकर्ता का जब पुलिस बंद कर दिया तो 1000 कार्यकर्ता के लाइन को डायरेक्ट विधानसभा घेर लेता कमल सिवरिया चंद्रशेखर और कैसे जाते हैं पूरा काफिला लेके उसके साथ एक चौकीदार भी है। तो दादा भी तो हमारे 100 हाथी था, हमारा भी खसी भी नहीं है भाई। चंद्रशेखर अमन शेर है, वो चूहा भी नहीं है, किसके भरोसे लड़ाई लड़िएगा। और ये विधायक क्या करेगा, वो विधायक खुद चोर है, अगर मैं आलू 20,000 के सिल्क के साड़ी पहन रही है, हम 20 रुपए का आटा भी ना मर रहे हैं, क्या वो आवाज उठाएगा समाज के। देखिए दूसरा कोई हमारे साथ नहीं बात है सर, एक मिनट संगठन की बात है। तो हम लोग भीम आर्मी में रहे, अच्छा है बहुजन आर्मी में रहे, भीम आर्मी में क्यों चंद्रशेखर भी अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए कर जैसे संगठन। अरे भाई आप चंद्रशेखर बनो ना, जैसे चंद्रशेखर की बात आप क्या बोले, आप भी आप एक सेकंड आप चंद्रशेखर क्यों नहीं बन रहे, क्या चंद्रशेखर के चार अभी ना बोले भाई बिल्कुल चार चार बात है, तो आप चंद्रशेखर क्यों नहीं बन रहे हैं। चंद्रशेखर ही बनने का देखिए आप अपना बनाइए ना भाई, गोल्डन का देख के गोल्डन बन रहा है, चंद्रशेखर के देख के गोल्डन बना, गोल्डन को देख के चंद्रशेखर के देख के गोल्डन बना, गोल्डन अलग बनाया, अब गोल्डन के देख कोई दूसरा गोल्डन बन रहा है तो वो अलग बनाओ ना। लेकिन जब अगर जरूरी पड़ेगा आपको या हमको एक जगह चाहिए तो वही बात ना कर रहे थे कि भीम आर्मी से हम नफरत ना करेंगे, अलग ना होंगे। अरे भाई क्या जरूरी पड़ेगा तो हम भोजन आने के लिए चंद्रशेखर भैया के हम तोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। देखिए बात जो जरूरी है, बयान जी समाज के लिए जितना की है नकारा नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा, बहुत त्याग की है। तो जब बयान जी जब पीएम की चुनाव लड़ेगी और जब उनको मान सम्मान के बात आएगा तो पूरे भारत में लोग उनके साथ है, लेकिन बिहार में तो बहन जी पैदा कीजिए भाई। लेकिन कांसीराम बल्ला कोई तैयार है दिलीप व्यास रेट में, चंद्रशेखर और बल्ला सब तैयार है, गोल्डन बल्ला सब तैयार है, मोहन भागवत भी बल्ला तैयार है, आरएसएस भी बनने तैयार है। एक चना जो है ना कभी भार नहीं पड़ सकता, ठीक है। अब जैसे एक चमार जाते और कहता है कि मायावती प्रधानमंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे, तो एक जाति से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है क्या। जब तक ले समाज को पहले तो चमारे पहले एक जगह नहीं है तो कैसे मायावती प्रधानमंत्री बन जाएगा। और यही बात बोलते हैं तो बहुत लोग को खराब लगता है। दिलीप जी ऐसा बात है, हम ही बताते हैं शुरू से कि हम लोग चार भाई और चारों रोज दारू पी कर आते हैं, फैटा फैटी करते हैं घर में, फिर इन लोग दोनों भाई कल अपना फैटा फैटी कर रहे हैं, दारू पी के जगह सब जाएंगे तो क्या कहेंगे, चलो तो अपन फटी कर। सब जात को एक जगह करने से पहले चमार पे एक जगह हुई है, एकजुट हो जाए। अगर आप जाइएगा पासवान साहब तो कह गया सला तुरे ठीक है, मैं तो पांच को सांसद है तोर वाड़ो सदस्य ना दम का देगा दम का। तो मान जी के जोड़ने जाए के तोरा को हमर तो मंदिर दिल्ली में हूं है आपका क्या है। तो हम लोग पहले चमार एक जगह हो जाइए, जब एक जगह हो जाइएगा ना, हनुमान एक जगह नहीं होता तो सीता नहीं आती, एक जगह फोर्ट में तब दिन होगा तब ना, जब अपने आप में ठीक रहिए तब ना आपके साथ पीछे कोई चलने के लिए। लेकिन देखिए ये अपना जात में क्या हो, सबसे पहले किसी के अंदर अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं, अनुशासन ही नहीं। दूसरी बात की अपना जात चमार के काबिल है, दबंग है, ज्ञानी भी है, लेकिन चमारे के लिए चमार से फैटा फैटी करने के लिए, चमार की आलोचना करने के लिए, चमार को नीचा दिखाने के लिए चमार सबसे कुछ दिया। अगर कोई कह दिया कि गोल्डन दास का तो लड़की सब वहाँ पे हम देखे थे, तो यदि अगर कोई घुमियार कर दिया कि गोल्डन तो सर पल्ला लड़की के लेके दिल्ली घूम रहा था, इनसे अभी क्या करेंगे, आज उठेंगे ना तो यहीं से पहले सबसे चले उसको यही कहना था, अभी यही उठेगा सर कि तू वाह फोन अगर आ गया कहीं से ठीक है, तो वह बता दे रहे गोल्डन दास लड़की सबसे पकड़ाए थे पहुँचा देते ना कहेंगे। अरे ठीक है हम आपको नहीं कर रहे हैं सर घुमियार पंडित राजपूत में क्या होता है कि अगर कोई घुमियार का शिकायत घुमियार के सामने घुमियार करेगा तो वही डरते गए चुप जात नहीं देखिए हम लोग में हाथ मिलता है दिल नहीं मिलता है।
ना मिलेगा, यही कारण है। कैसे मिलेगा? एक सेकंड, आप हमारे प्रति आपको अगर कोई कुछ कह दिया तो आप मतभेद नहीं कर रहे, मनभेद कर ले रहे हैं। ये बात है, थोड़ा थोड़ा बात विवाद हो जा रहा है। गोल्डन जात नहीं है, अरे साला ठीक है। सब मान गोल्डन संजय भर्ती को धोखा दे दिया, अरे साला ठीक है। गोल्डन साथ मत रहो, अरे ठीक है। सब मानवर साहब के बंशन नहीं है, मानवर साहब कांचीराम साहब के कहे थे कि मैंने कि इनका बाबू जगदेव प्रसाद इनका कुछ ना जगजीवन राम के कहे थे कि मीडिया में आके विरोध नहीं करना है। ये लोग तो मीडिया में आके विरोध कर रहा है कि गोल्डन चमार नहीं है। हाँ। तो ये कैसे कहा जाए कि मानव साहब का बंशन जाएगा? विकास के भी लोग फोन किया, विकास देखा गोल्डन दास भेज दिया ना, इसको बोलना चाहिए हराम खोर के औलाद गोल्डन को भेज दिया। तू कहाँ निकाल दिया गोल्डन? हमसे मिलने नहीं आया, तू कहाँ हमसे मिलने आया? तब ना कहा था कि देखो गोल्डन तुमको फंसाया तो हम तुमको बचाएं। सवाल जवाब होना चाहिए। हम बोल तो रहे हैं कि इनका वीरेंद्र भारती का आंदोलन कर रहे हैं रोड पर, कहीं यहाँ है रोड फील्ड, चलिए एक हजार ठंडा जय भीम जितना चिल्लाएंगे शांत के घर है दस को मीडिया के लेकर। इनका काम तो नहीं होगा लेकिन मेरा काम हो जाएगा। गोल्डन ने कहा आंदोलन किया, न्याय जीरो, मीडिया में चला। अभी तो पहचान अलग लग रहा है सर, लेकिन आज यहाँ प्यार किससे कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं हेमा मालिनी से, सूद रहे हैं सोनिया राय साथ है, अब घूम रहे हैं दीपिका पादुकोण साथ है। ऐसा नहीं होगा भाई साहब, जमा रेजिमेंट के अध्यक्ष है ठीक है, तो बेटा की तबीयत खराब दवाई के लिए आ रहे हैं लेकिन मदद किस करने किसको जा रहे हैं? दिल्ली दुकान में चोरी हुआ, सुन लीजिए आपका इतना बड़ा मुसीबत आया, फोन कीजिए अमर ज्योति का आंदोलन करने। अमर ज्योति से मतलब नहीं है सर, हमें संगठन से मतलब है। संगठन का प्रेसिडेंट वही ना है बिहार में, प्रेसिडेंट है। हम संगठन को सम्मान करते हैं, उस आदमी को सम्मान नहीं करते। उसके बाद क्या चंद्रशेखर भी यहाँ आए थे? अरे नहीं आए, तो फिर उसके लिए हम संगठित की बात बता रहे हैं कि संगठित जब होते हैं, जब हम पे मुसीबत पड़ता है तो सब संगठन में एक जगह हो जाना। पहले घर संगठित करेंगे कि दुनिया? हमें दुनिया का संगठित करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बोले ना कि हम सब जब संगठन से अलग अलग बना लीजिए, जब जरूरी पड़े तो सब संगठन इकट्ठा हो जाएगी। मैं उस बेस पर मैं बात कर रहा हूँ, इस बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक कर रहे हैं तो क्या खाली मनोज खाली वीरेंद्र भारतीय गोल्डन नहीं जाके वहाँ साथ देगा? अब गोल्ड सुन लीजिए, आपका सवाल होना फिर जवाब मेरा सुन लीजिए। गोल्डन और वीरेंद्र भारती सब खातिर जान और खून देना तैयार है। अब गोल्डन और वीरेंद्र भारती का जब समय आ रहा है तो लोग खेमाड़ी क्यों लगा ले रहा है? गोल्डन दास के बाकर चक में दंगा हुआ, बीमार में आया, वीरेंद्र भारती के रोज शूटर आ रहा है और जमीन लूटा जा रहा है, इनको दुकान लूटा गया, बीमार में आया नहीं आया। तो उसी तरह उसी तरह सारा संगठन तैयारी करे, सारा संगठन इकट्ठा होकर हम लोग लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तब तक अकेले गोल्डन क्या करेंगे? लेकिन देखिए सुनिए, तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए, और जहाँ गलती है वहाँ एक्सेप्ट सब कीजिए। हम सुनिए भैया, आपको पता है हमारे साथ अब बहुत अच्छा से खास रहे, हम लोग एक थाली में खाना खाएं, हम तेल लगा के किसी को अब चाचा भैया बाप करके तारीफ करके अब किसी को साथ नहीं रखेंगे। अगर आप चोर हैं तो हम कहेंगे आप चोर हैं, अगर रंडीबाज है तो कहेंगे आप रंडीबाज हैं। बिल्कुल, इसके लिए अगर किसी को बुरा लगे या नहीं रहना साथ है मत रहना, लेकिन जो जैसा भड़ुआ रहेगा मैं भड़ुआ कहूँगा, भड़ुआ हो। सही बात, वीरेंद्र भारती बेचारा भटके ही चल रहा है एसपी और सीटीएसपी पर दौड़ते दौड़ते, बीमार में आज कहाँ घुस गया? दिन रात बीमारी बीमारी भजते रहता जवान। हर मीडिया में सुनिए, चंद्रशेखर भैया भीम आर्मी गोल्डन दास नहीं बोलते हैं, गोल्डन दास तो आपके लिए आके एफआईआर करा दिए भैया, भीम आर्मी आगे गिरफ्तार करा दे ना। हमें ना गोल्डन दास से नफरत है ना भीम आर्मी से नफरत है। हमको कहने का बेस एक ही है कि सब संगठन कब एक होकर काम करेगा, कब तक हम लोग अलग अलग होते लड़ते रहे भैया? बोल तो दिए हम, तो आप पे दोषी नहीं लगा रहे हैं, हम उस संगठन पे दोषी लगा रहे हैं कि वो कब तक अलग अलग होकर लड़ते रहेगा, कब तक समाज के न्याय नहीं। ये झगड़ा कभी प्रेग्नेंट हुआ है? कभी नहीं हुआ। क्या तुम मेहनत करते करते मर जाइएगा, हिजड़ा को प्रेग्नेंट कभी नहीं होगा। एक करोड़ के बस दे देंगे, उसका स्टेयरिंग खराब रहेगा, चला लेगा कोई? भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष कितना बड़ा पोस्ट है, किसको अब दे दिए हैं? उसको कीजिए प्रेग्नेंट। अरे इतना ही नहीं, भीम आर्मी के आज तक प्रदेश प्रभारी क्या बिहार के बना, नाम बताइएगा दोगे? क्यों नहीं बना? कमल सिंह बलिया आया यहाँ, भीड़ हमारा, चंदा हमारा, मेहनत हमारा, हीरो कौन फोटो कौन खिंचवा रहा है? साढ़ लिए शरीर रखने से होता है, बोका भी दूसरे को होता है, एक चढ़ने वाला एक बोबो बो करने वाला। तो कमल सिंह बलिया बोका बोबो बो करने वाला है, चढ़ने वाला नहीं है। कमल सिंह बलिया जब विधानसभा घेराव किए
जब भीम आर्मी कार्यकर्ता का जब पुलिस बंद कर दिया तो 1000 कार्यकर्ता के लान को डायरेक्ट विधानसभा घेर लेता कमल सिवरिया चंद्रशेखर और कैसे जाते हैं पूरा काफिला लेके उसके साथ एक चौकीदार भी है तो दादा भी तो हमारे 100 हाथी था हमारा भी खसी भी नहीं है भाई चंद्रशेखर अमन शेर है वो चूहा भी नहीं है किसके भरोसे लड़ाई लड़िएगा अगर गोल्डन दास और अगर वीरेंद्र भारती के अगर जिला अध्यक्ष गोल्डन प्रदेश अध्यक्ष है अगर वीरेंद्र भारती के अगर थाना घेर लेगा तो गोल्डन जाके एसपी घेर लेगा यार यही जरूर होना चाहिए दो होना चाहिए ना नियम कि मैं फेल नहीं हूँ क्या दिलीप अगर जो हम लोग पहला आंदोलन किए थे अगर मेरा दिमाग नहीं होता तो एसएसपी के ऑफिस में घुस जाता कोई गोल्डन अपना ही दिमाग से ऑफिस में घुस जाता क्या कुलदीप भैया सब बैनर लेके देखिए भीम आर्मी का काम क्या है प्रचार करना और रील्स बनाना अब स्टेटस चमकाना न्याय आपको मिले या ना मिले बैनर ले लेगा जय भीम चिल्लाएगा गांधी मैदान से भरे पुलिस रोक लेगा जगह बेटी गरीब वो हॉस्पिटल में भर्ती है असर पड़ेगा क्या असर पड़ेगा भाई जान रहे मुख्यमंत्री की चमार हमको वोट नहीं देगा चंद्रशेखर रावण को चुनाव जीतने से आप सब जान गया कि चमार अब सब सशक्त और मजबूत हो गया है और सब जाग गया है सब जात के पता है कि चमार हमको वोट नहीं देगा डीएसपी जब से आया ना तब से सबको जान गया कि चमार जात जो है हाथी के छोटे कहेंगे भैया कि अपना पिलर मजबूत कीजिए सुन लीजिए हराम के ताजमहल से अच्छा अपन बाप की झोपड़ी होता है आप हमारे ऑफिस में रहिएगा 2 घंटे के बाद हम भगा देंगे अगर आपका झोपड़ी रहेगा तो किसी का औकात नहीं का वो कोई भगा देगा आज गोल्डन दास के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बना देगा खूब पूरा एकदम तहस नहस कर देगा बिहार के अब तीसरा साल भगा देगा चंद्रशेखर तो हम कहाँ जाएंगे तो हराम के राजधानी से अच्छा ना अपना टूटल साइकिल हम 10 दिन में पहुँचेंगे लेकिन हम पहुँचेंगे और राजधानी अगर बीच में अगर उतार दीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे या टीटी पकड़ लेगा बीच में तो इसलिए भैया आप लोग से आग्रह है अंधभक्ति मत कीजिए गोल्डन के अंधभक्ति मत कीजिए गोल्डन अगर अच्छा काम कर रहा है तो गोल्डन के साथ दीजिए अगर गलत कर रहा है तो जूता संभालिए हम पिटाने के लिए तैयार हैं।